नहीं, सोलर लगवाना चाहिए, बिजली कनेक्शन अगर हो तो उसे कटवा देना चाहिए। बिजली कनेक्शन कटवा दे? जी, बिजली कनेक्शन कटवा देना चाहिए। और बिजली कनेक्शन में 28-29 हजार रुपए महीने का बिल पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रूम सोलर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम आए हैं बांगड़मऊ में देखने की कैसे एक ही मोटर से हम ऑयल स्पिलर और आटा चक्की चला रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे कस्टमर से और उनका फीडबैक लेते हैं कि कैसे छोटी सी जगह का यूटिलाइजेशन करते हुए ही वो दो इतनी बड़ी मशीनें चला रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये है हमारे लूम सोलर के शक 440 वॉट सोलर पैनल्स। आइए जानते हैं स्ट्रिंग कनेक्शन के बारे में। इस पैनल में देखिए, ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब आप देख पा रहे होंगे कि सेम दूसरे में भी ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब नेगेटिव टर्मिनल को वायर के थ्रू दूसरे पैनल के पॉजिटिव से आप कनेक्ट करें और सेम ऐसा आप आगे के पैनल्स में भी करते जाएं, तो इससे एक स्ट्रिंग बन जाती है। इसी तरीके से आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे शक 440 पैनल्स को हमने जीआई स्ट्रक्चर पर इंस्टॉल करा है। जीआई का मतलब गैल्वनाइज्ड आयरन, जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें आयरन को मेल्टेड जिंक की कोटिंग से कवर किया जाता है ताकि आयरन को रस्ट से बचाया जा सके और उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी जा सके। नाउ आप ये देख पा रहे होंगे कि जीआई स्टैंड को हमने स्टेबिलिटी देने के लिए लेग्स के पिलर के अंदर फिक्स करा है ताकि हमारे जो स्टैंड है वो ज्यादा हिले डुले ना। और ये आप एक्स टाइप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये हमारी जीआई प्लेट्स हैं जो हम लोगों ने लगाई है फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, क्योंकि हमारे कस्टमर जिस जगह रहते हैं उस जगह हवा बहुत तेज चलती है और ये पिलर के साथ मिलके एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारे स्ट्रक्चर को ताकि हमारे पैनल्स तेज हवा में ज्यादा वॉबल ना करें। अब चलते हैं हमारे सोलर एजे बे या एरे जंक्शन बॉक्स, जिसको सिंपल भाषा में डीसीडीबी की कहा जाता है। तो डीसीडीबी में हमारी सोलर स्ट्रिंग्स आती हैं और ये सिंगल आउटपुट हमारी वीएफडी में इन होता है। ये जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे कस्टमर ने सिस्टम लगाया है, ये सिंगल वीएफडी पर डबल लोड चला रहा है। इसका मतलब वीएफडी के थ्रू जो एक मोटर रन कर रही है उससे दो लोड चलाए जा रहे हैं, एक आटा चक्की और दूसरा ऑयल स्पिलर। ऑयल स्पिलर को हम जो देसी भाषा होती है उसको कोलू भी कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कोलू एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर जो ड्रम रखा हुआ है, इसके अंदर सरसों के बीज और साथ में पानी मिलाया जाता है और उसको कॉन्स्टेंटली रोटेट किया जाता है ताकि वो मिक्स हो जाए और फिर वो धीरे धीरे नीचे बढ़ता है और ग्राइंडर में पिसता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और छलनी के थ्रू इसको सरसों के दानों को तेल से अलग किया जाता है और बाल्टी में इसको कलेक्ट किया जाता है। जो हमारा लेफ्ट ओवर होता है उसको दोबारा एक बार ड्रम में डाल के प्रोसेस में लाया जाता है ताकि मैक्सिमम हम उसमें से तेल एक्सट्रैक्ट कर सके। सो व्यूअर्स, आइए हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने इधर सेटअप करवाया है हमारा सोलर सिस्टम। तो बात करते हैं हेमंत जी से। हेमंत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। सो हेमंत जी हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि कैसे दो ऑपरेटर्स, एक आटा चक्की और एक स्पेलर, कैसे एक ही सिस्टम से चल रहा है, मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल चल रहा है। ऐसा होता है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है दोनों चीज़ों पे। अगर हमारे पास अभी 10 HP का आटा चक्की, 10 HP की मोटर से हम दोनों चीज़ें रन कर पा रहे हैं, जैसे आपने देखा था स्पेलर भी है हमारे पास, 18 इंची आटा चक्की भी है, तो हम अभी इस पर 18 इंची तो चला सकते हैं, लेकिन 24 की बात करें तो नहीं चला सकते। तो इस वजह से अभी हमें यही देखना पड़ता है, जो दोनों हमारे ऑयल स्पेलर और आटा चक्की है वो 9 वोल्ट का ना हो, इधर हमारी 24 वोल्ट का ना हो। तो इस वजह से हम 10 पे ऑपरेट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमें इस पर भी और अच्छी क्वालिटी लेके जानी है, यानी कि हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो हम अभी 15 के सिस्टम को भी बैठाना चाह रहे हैं, जो अभी सर ने अभी आपको आगे पहले बताया था कि हम 15 की मोटर को लगा के इसको और इंप्रूव करना चाह रहे हैं। क्योंकि सिस्टम तो अच्छा चल रहा है बट अभी उनकी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव करना चाह रहे हैं, जिससे जैसे वो सोचते हैं कि लाइट के बैकअप से हमें चीजें चाहिए। हम लोग चाहे देख पा रहे थे कि अभी जो चीजें चल रही है वो हमारे लिए तो अच्छी है, लेकिन हम उसे कम समय में और ज्यादा आउटपुट के लिए डिमांड है उसके लिए। करेक्ट करेक्ट। तो सर इसमें, क्योंकि ऊपर जैसे हमें आवाज आ रही थी कि बहुत ज्यादा साइड वाली चक्की में बहुत, पड़ोस में भी एक चक्की लगी है, वो अभी इंजन से ही ऑपरेट कर रहे हैं।
जी हाँ, तो वो इंजन से ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ नीचे आए हैं सेटअप दिखाने के लिए कि यहीं पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने इसमें कौन से सोलर पैनल्स यूज करें, या स्पेसिफिकली बोले तो आपने पूरे सिस्टम के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करें। बिल्कुल बताते हैं, अभी हमने इसमें देखा जाए तो हमारा जो मेजर जो प्रोडक्ट है वो है सोलर पैनल जी। ठीक है, सबसे ज्यादा सोलर पैनल का जो होता है हमें देखना पड़ता है सोलर पैनल हमारा कौन सा है, कैसा होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारी परफॉर्मेंस ओवरऑल परफॉर्मेंस उसी पर डिपेंड रहता है सिर्फ सोलर पैनल पे। तो हमने इसमें यूज किया है अपना लूम सोलर का 440 का हाफ कट मोनो पर अपना 9 बस बार। ठीक है, तो 9 बस बार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमें बस आपसे पहले बताया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन पासेस अच्छी होती है, जिस टाइम पे दूसरे पैनल 4 या 4.5 एम्पियर देते हैं उस टाइम इस 6-6.5 एम्पियर तक प्रोड्यूस कर देता है। अभी आप देख पाएंगे कि सोलर जो अभी सोलर पे चल रहा था क्लाउडी वेदर में जो हाफ कट का परफॉर्मेंस है वो अदर जो पैनल आ रहे हैं पॉली आ रहा या मोनो पर आ रहा तो उन सबसे बेटर है जी। उनका क्लाउडी वेदर पे इफेक्ट कम से कम रहता है, फिर क्या है शेडो इफेक्ट भी बहुत से कम से कम है, कम से कम का मतलब है उनमें 33% होता है, इसमें 16% है। तो सर जब मेरी राठौर सर से बात हो रही थी तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई, मैंने ये चीज खुद भी देखी कि इनका जो घर है वो लंबाई में ज्यादा और चौड़ाई में कम है। हाँ बिल्कुल, तो आपको इधर इंस्टॉलेशन में क्या क्या दिक्कतें आई? हाँ मैं बताता हूँ, उसमें क्या है हमें यहाँ जगह का सबसे बड़ा इशू आया, जगह का क्या था, यहाँ इनका आगे से जो है वो 20 फीट के अराउंड में है, आगे 20 फीट है और पीछे 40 फीट है, तो हमने 20x40 में 32 पैनल को एडजस्ट किया है, जो हमें काफ़ी चैलेंजिंग रहा। जैसे हमने देखा कि हमें एक ही रो में हमने सारे पैनल लगाए, रो के ऊपर डबल रो सिक्स रो तक गया है इसमें। तो दिक्कत हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये आएगी कि बाउंड्रीज की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिल पाया। अगर देखें तो एक साइड से 3 मंजिल नीचे 30-35 फीट तक का, तो और फिर हमने पूरी सिंगल रो में लगाया सारा सिस्टम। इसमें हमने अपना GI स्ट्रक्चर यूज किया, DCDB यूज की, अर्थिंग की, LA किया, फिर DC BFD बॉक्स और विद VFD। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है तो आप लगाने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, क्या आप इंजीनियर को कंसल्ट करते हैं या फिर आपका प्रोसेस कैसे रहता है? हाँ, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ क्योंकि डिप्लोमा होल्डर हूँ अपने, तो ठीक है मुझे इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं आती है क्योंकि अगर मैं खुद बंदा हूँ और साथ में मेरा छोटा भाई है जी। वो कैट ऑटो कैट डिजाइन है तो उसमें मेरे को इस वजह से दिक्कत नहीं आती। अगर मेरे को सजेशन चाहिए होता है तो वहाँ से मिल जाता है, फिर मैं भी खुद डिप्लोमा हूँ मैकेनिकल, तो मुझे जो मैकेनिकल की जो चीज़ें होती हैं हमें कितना क्या कहते हैं विंड प्रेशर पे क्या कितनी थिकनेस होनी चाहिए, जी, क्या जी, हाइट होनी चाहिए, क्या स्लैब, क्या ट्रेंगल, क्या एंगल होना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों से अपना डेली का वास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगला मेरा एक बड़ा जेनेरिक क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ राठौर साहब की तो आपने समस्या हल कर दी, लेकिन पैन इंडिया में बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, हमारे कस्टमर्स भी हैं जिनको पास्ट में दिक्कत आई थी, तो उन्हें आप इस चीज़ के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे इस दिक्कत से दूर जा सकते हैं? इस दिक्कत का कोई समाधान नहीं है, इस दिक्कत का सिर्फ समाधान है एक, जो क्या कहते हैं आप अच्छे बंदे को लीजिए जो पहले से इस फील्ड का बंदा हो, ट्रेड का बंदा हो जिसे बोलते हैं। ऐसा ना कि नए बंदे को ले, नया बंदा क्या काम करेगा, चीज़ों को करेगा फिर हटाएगा बढ़ाएगा, उसमें आपका भी समय नष्ट होगा और उस बंदे आपका जो चीज़ें हैं ना उनका नुकसान होगा। तो इनसेंस आप इंजीनियर विजिट की बात, बिल्कुल सबसे पहले इंजीनियर, जिससे क्या है आपका जो सजेशन आपको पहले मिल जाएगा जिससे आप उसको प्रिपेयर रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमें सर ने भी बताया और राठौर सर ने भी बताया था कि कैसे इंजीनियर विजिट की मदद से उन्हें एक ऑप्टिमम सोलर सॉल्यूशन मिल पाया है और जो उनके पास जगह की कमी थी उसका भी इन्होंने निवारण करा है। तो सर थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो व्यूअर्स जैसा कि हम अपने कस्टमर रामपाल राठौर जी के साथ बैठे हुए हैं, आप आवाज से पता चल ही रहा होगा कि आस पड़ोस में ही एक डीजल जनरेटर चल रहा है। आस पड़ोस में क्या मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो जो अगला ही घर है उसी के अंदर ये डीजल जनरेटर चल रहा है। तो आइए बात करते हैं रामपाल राठौर जी से। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हमारा नाम है रामपाल राठौर, नौबतगंज, ग्राम पोस्ट नौबतगंज जी, थाना तहसील बांगरबो, जिला उन्नाव। हमने लूम सोलर लगवाया है 32 पैनल, 10 HP का मोटर चल रहा है बराबर, डबल लोड खींच रहा आटा चक्की और स्पेलर दोनों खींच रहा। तो आपका व्यवसाय आटा चक्की और स्पेलर दोनों का है जी। तो सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपका व्यवसाय स्पेलर का और आटा चक्की का तो है,
तो आपने सोलर पे जाने का क्यों सोचा? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने इसको चलाने के लिए सोलर को चुना? जी, हम पहले बिजली का कनेक्शन लेने वाले थे, उसके बाद हमने, हमारे लड़का जो है छोटा वाला, उसे नेट पे देखा हमने इस सोलर का। जी, नेट पे देखा तो हमारे समझ में आ गया, तो हमने कनेक्शन, बिजली कनेक्शन कैंसिल कर दिया। हम यहाँ से गए मल्लामा देखने, वहाँ 32 प्लेटें लगी हुई हैं, 10 एचपी का मोटर चल रहा है, उसको देखा। फिर यहाँ से गए रायबरेली। अच्छा, रायबरेली, बरेली नहीं? बरेली नहीं, रायबरेली। अच्छा, उन्नाव के आगे। जी, यहाँ से 120 किलोमीटर बाइक से गए हम, हमारा लड़का बड़ा वाला राहुल। जी, वहाँ देख के हमें संतुष्टि हुई, हमने फोन किया, फोन संपर्क हुआ, ये हमारे यहाँ आए और बैठ के हमारी इनकी बातचीत हुई। जी, फाइनल हो गया, हमने तुरंत लूम सोलर लगवा दिया। तो मेरा अगला सवाल सर ये है कि आपने जैसे बताया कि आपने एक जगह पे लगा हुआ ये देखा अपनी आंखों से। जी, तो आपने क्या सिर्फ एक ही जगह लगा हुआ देख के ये फैसला ले लिया या फिर आपने और भी जगह देखा इस चीज को? हमने और भी जगह देखा, चार जगह हमने देख के हमारी दिल की संतुष्टि हो गई, तो हमने तुरंत जो है निर्णय ले लिया। तो हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे कि आपका कितने किलोवाट का सिस्टम है और कितने हॉर्स पावर की मोटर चल रही है इसमें? हमारे 10 हॉर्स पावर की मोटर चल रही है और आटा चक्की और स्पेलर दोनों चल रहे हैं। दोनों? जी, दोनों चलाते हैं। सर, इसमें आपका लगभग खर्चा कितना आ गया है अभी तक? 6 लाख के लमसम में आपका सारी चीजें? जी, A to Z। हाँ, A to Z 6 लाख के लमसम में आ गई है सब, और आराम चल रहा है। हमारी डीजल की बचत हो रही है, 12-14-15 लीटर पर डे डीजल बच जाता है। जी, तो 1000 रुपया तो डीजल को ही गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये है, अब बढ़िया चल रहा है, हम खुश हैं इस बात से, अपने भाई पे भी खुश है। चलिए सर, आपको इस चीज से संतुष्टि है ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। अगला सवाल मेरा ये है कि सर, आपका ये जो सिस्टम लगा है, जी, ये कब लगा था, कितने महीने हो चुके हैं इसको चलते हुए? अभी 3 महीने हुए हैं। 3 महीने तो कह सकते हैं कि जब सर्दियां शुरू ही होने वाली थी तब। जी जी जी। तो व्यूअर्स ये नोट करने वाली बात है कि सर ने जो अपना सिस्टम लगवाया है वो सर्दी के ऑनसेट में, मतलब जब सर्दियां शुरू होने वाली थी तब लगाया है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सोलर से इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन गर्मियों के कंपैरिजन में सर्दियों में है वो थोड़ा सा कम है। तो सर, मैं इसमें जानना चाहूंगा कि 3 महीने आपने बताया तो लगभग 90 दिन। जी, 90 दिन में ऐसे कितने दिन ऐसा हुआ कि आपका स्पेलर या चक्की पूरे दिन ना चली हुई? अभी 4-5 दिन पूरे दिन नहीं चला है। 4-5 दिन? जी, धूप नहीं निकली, मौसम खराब था। ठीक है, तो जो आपने 5 दिन बताया वो उसके अंदर बिल्कुल भी धूप नहीं थी या थोड़ी सी धूप थी? धूप बिल्कुल नहीं थी, बसरते हम आटा चक्की चलाते रहे, 1 क्विंटल गल्ला निकलता रहा 1 घंटे में। धूप नहीं थी, केवल सुहावी थी बस, मतलब जिसको कहते हैं हल्की हल्की धूप। हाँ, धूप भी नहीं थी, सुहावी थी, दिन था, धूप नहीं थी, सूरज नहीं थे, बस वो ऐसा पता चलता था कि हाँ दिन है। हाँ, दिन है। तो ये नोट करने वाली बात है कि हम लोग को स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि सोलर पैनल को चलने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जब से सोलर पैनल दुनिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं अभी तक उसके अंदर इतनी ज़्यादा इनोवेशन आ गई है कि अगर डायरेक्ट उसको सनलाइट नहीं मिल रही है वो फिर भी जनरेशन कर पा रहे हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि डीजल की आपकी महीने की 1000 रुपये के करीब बचत हो जाती है। जी, दिन की 1000 रुपए की बचत। हाँ, तो महीने का अभी तक आप कितना बचा चुके हैं? हमने ये अभी हिसाब नहीं लगाया, बसरते 1000 रुपए पर डे बच रहा है डीजल की बचत से। जी, और इसमें भी आपने बिजली का नहीं लगाया? नहीं, बिजली नहीं लगाया, न लगाएंगे बिजली। अभी ये चीज बहुत पसंद आई, हम बहुत खुश हैं इस बात से। और जैसे अभी धूप नहीं निकली थी और लाइट भी नहीं आ रही थी। जी, 5 kV का अल्टरनेटर हमारे पास है। जी, केवल हमने अल्टरनेटर चलाया, उससे पानी भरा, लाइट पूरी लाइन सप्लाई हुई घर की, समर सेविंग चला, उससे हमने सब लोग नहाया सुबह 7:30 बजे। जी, धूप नहीं थी, कहीं सोलर से 10 HP मोटर चलाया। जी, और उसी से अल्टरनेटर 5 kV चला। जी,
सर मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं जी, जिनके मन में या तो कुछ शंका रहती है या फिर कुछ दिक्कतें आती हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे सोलर को लेके कि जैसे सोलर ने आपकी जिंदगी में आपके व्यवसाय में बहुत ज्यादा परिवर्तन करा है जी, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें सोलर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना? नहीं, सोलर लगवाना चाहिए, बिजली कनेक्शन अगर हो तो उसे कटवा देना चाहिए। बिजली कनेक्शन कटवा देना चाहिए, और बिजली कनेक्शन में 28-29 हजार रुपए महीने का बिल पड़ता है। दोस्तों जैसे कि आपने सर से खुद सुना कि 30,000 लगभग डीजल का महीने का बचना और व्यवसाय का मतलब कमर्शियल्स का 30,000 और बचना, टोटल लगभग 50,000 से 60,000 रुपए अगर आपका महीने का बच रहा है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती है। तो सर मेरी हेमन जी से बात हो रही थी, उन्होंने मेरे को बताया कि आप इस चीज को एक्सपेंड करने का भी सोच रहे हैं, मतलब जो आपका सिस्टम लगा है इसको आप बढ़ाने का सोच रहे हैं, क्या ये सही है? बढ़ाने का सोच रहे हैं हम, अभी 16 प्लेटें और लगवाएंगे। 16 प्लेटें और लगवाएंगे जी, 15 HP का मोटर रखते हैं जी। तो ये थे हमारे साथ रामपाल राठौर जी, जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे इन्होंने सोलर के ऊपर विश्वास करते हुए बिजली से ही पूरा नाता तोड़ दिया, और आप लोगों को भी ये बोला कि बिजली से नाता तोड़ दें। बिजली से नाता तोड़ना ना तोड़ना तो आपके ऊपर है, लेकिन इस चीज़ से ये स्पष्ट है कि सोलर के फायदे बहुत सारे हैं और आप इन चीज़ को नकार नहीं सकते। तो यदि आप भी अपने सिस्टम को सोलर पे लेके जाना चाहते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो, आप www.loomsolar.com पे जा सकते हैं। वहाँ अपने नज़दीकी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को लोकेट करिए, उनसे कॉन्टैक्ट करिए। तो जैसे हमने सर्च बार में बरेली डाला तो साइबर प्लैनेट हब शो हो रहा है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हेमंत जी हैं उनके रजिस्टर्ड फर्म है। तो ऐसे ही आप अपने नजदीकी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को भी सर्च कर सकते हैं। इंजीनियर साइट विजिट बुक करवा सकते हैं आप, यदि आपको लगता है कि आपके पास जगह कम है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी तरह बाकी लोगों के मन से भी सोलर को लेके जो डाउट्स कुछ कंफ्यूजन है वो दूर हो सके और वो ग्रीन वर्ल्ड की तरह अपना एक कदम बढ़ा सके। थैंक यू सो मच।